क्या आप तैयार हो? ध्रुव आप तैयार हो? हाँ जी। ऑफिस जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ हम। हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, जब से मनाली से वापस आए हैं यार, बहुत अलग अलग चीजें हुई है मेरे साथ। पिछले कल तो क्या हुआ है पहले तो आप वो देखिए, फिर मिलते हैं आगे, फिर और बताता हूँ आपको। ध्रुव को देखो, ध्रुव बोल रहा है मुझे नहीं छोड़ सकता है क्योंकि पसीने से इसके बहुत बुरे हाल। अरे आज मैंने पापा की गाड़ी यूज कर रहा हूँ और अंजना भी थोड़ा सा काम से आई थी मेरे पास, तो ये बोलती है मेरे को छोड़ो, कैब इसकी होनी नहीं बुक, ये गाड़ी चलाई नहीं जा रही। हालत देखो बेचारे की, और ये बोल रहा है कि ये अंकल की गाड़ी कितनी हार्ड है यार। ये गाड़ी में अपनी गाड़ी के बाद तो मेरी ये गाड़ी तो ऐसे लग रही है, मैं क्या बताऊं। तो अब मैं क्या करूं, पैदल जाऊं? पैदल नहीं, कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी चलाने की। मैं सोच रहा हूं मैं पहले कैसे चलाता था ये गाड़ी, इतनी खुशी खुशी। ओहो बेचारा, कैसा लग रहा है देखो इस गाड़ी में बैठ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी देख रहे हो चंडीगढ़ में, अभी अभी मनाली ट्रिप से आया और हम बिल्कुल ऐसे, हमारा बिल्कुल भी तैयार व्यार होने का मन नहीं कर रखा है दोनों में। ऐसी ऐसी बने हैं बस, अभी इतना अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी में बैठ के। ध्रुव को अपनी गाड़ी का, गाड़ी की आदत है और अभी इसको इतना अजीब लग रहा है यार। ये तो सच में बहुत अजीब लग रहा है कि यार ये, क्योंकि मेरी गाड़ी है ना एकदम मुलायम, चलाने में नई नई है इसलिए। ओहो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, ऊपर से इतनी गर्मी, पसीने से बहुत बुरे हाल, और बीच रास्ते में टायर पंचर होना, किस्मत खराब बोल सकते हैं। अरे यार इस रोड से निकलना भी बहुत मुश्किल है और मुझे कोई ओपन सी स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी पार्क करके अच्छे से करूँ, क्योंकि ये है मेन हाईवे काइंड ऑफ। और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसी हालत में हमारे साथ ऐसा होगा, और अच्छा आज बिल्कुल भी प्लान नहीं था ध्रुव का शूट करने का, बट आज ध्रुव का शूट तो करना पड़ेगा क्योंकि इतने स्ट्रगल में है ये, और बताएंगे लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज पहले ही चेक करके आए। बाइक वाले ने बताया कि भैया क्या, मैं समझ गया मैं टायर पंचर, क्योंकि गाड़ी झोल भी मार रही है, जैसे मैं चला रहा हूँ ना तो इतने खुल के नहीं चलती गाड़ी। और कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, गर्मी गर्मी इतनी गर्मी है यहाँ पे चंडीगढ़ में, एकदम से मनाली से आया और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई मरने वाली गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी मैं दिखाऊंगी कि ध्रुव कैसे क्या करता है अभी सिचुएशन। पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कैब करके जाना पड़ेगा, इसके लिए भी करनी पड़ेगी अपने लिए भी करनी पड़ेगी, तो गाड़ी यही छोड़ देनी मैडम। मोतिया जाना है और अंकल को पता नहीं कि अंकल की गाड़ी लेके आए हैं क्योंकि मेरी गाड़ी गई है सर्विस होने। फंस चुके हैं जी, पहली बार कर रहा हूँ मैं ऐसा काम। बेचारा, लकी चीज ये है कि इस गाड़ी में ये है ऑलरेडी पंप, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हवा भरनी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे तो ये ट्यूबलेस टायर है, बाकी लेट्स सी क्या बनता है यार। मेरे को बिल्कुल होप नहीं थी ये कुछ ऐसा होगा, ये अंजना तो वैसे ही मजाक में शूट कर रही थी और देखो ये मजाक इतना सीरियस हो गया कि भाई यहाँ टायर पंचर हो गया बीच हाईवे में। तो आज सीखने वाली चीज़ थी, जिस तरह से एक बंदा बता के गया मेरे को कि आपका टायर की हवा गई हुई है यार, हमें ना वैसे बता देना चाहिए, कई बार ना पता नहीं चलता। मैं तो ये गाड़ी इतने दिनों बाद चला रहा हूँ तो भाई आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा हो जाएगा। सिचुएशन मैंने मैनेज कर दी है, हवा भर चुकी है, बाकी लवी ने भी काफ़ी मेरी हेल्प करी यार, मतलब ऐसी नहीं है, डरती नहीं है बंदी ना, खतरनाक है, आई लाइक इट। मतलब कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा हुआ, अभी हमें पानी मिला, मीठा पानी जो ऐसे बांटते हैं गर्मियों के टाइम। हाँ, और आप देखो ये बहुत अच्छा काम है। हाँ, जो भी अच्छा, व्हील बोलते हैं इसको वैसे। हाँ, तो दैट्स वेरी नाइस। सामान ले लिया है मैंने, ये लिया है मखाना, मखाना और ये चिप्स इसके पैसों से, ऐसा मैं ही क्यों दूँ एक एक दुकान में लेके गया हूँ, बोलती कैब में आती क्या बता तेरे को इतना घुमा, गेट वाले अंकल ध्रुव को ऐसे ऐसे कर रहे, उनको लग रहा है कि सही चलाई नहीं जा रही है वाली गाड़ी, तो
मैं कहा बढ़िया अंकल आपको पता है कि भाई बंदे को दिक्कत आ रही होगी। चलो बाय बाय गाइस। बाय। देखा आपने किस तरह से वो टायर पंचर हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने वो मैनेज करा सीन। एक्चुअली मैं आया वापस यहाँ पे सोया, थोड़ा सा मैंने सर रेस्ट कर लेते हैं, अभी तो इतनी गर्मी में टायर चेंज करके आया हूँ। उसके बाद एपिक चीज़ ये हुई कि उठा मैं और मैंने टायर नीचे रखे और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई सेव ही नीचे सोया हुआ है और उसके पूंछ पे मेरे गलती से पैर टिकाया गया। और भाई जब सेव ही सोया होता है तो मैं तो सबसे बड़ा रिस्क बोलूँ क्या रहता है, वो रिस्क रहता है कि यार वो काट देता है। तो उसने वही सेम चीज़ करी और मेरा पैर काट दिया। तो उसके बाद मैं गया अपना चेकअप वगैरह करवाने, तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाए, एक टेटनेस का लगाया, एक रेबीज़ का लगाया। रेबीज़ का इसलिए क्योंकि सेवी को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर ड्यूरेशन में एक इंजेक्शन लगता है, तो उसका 1-2 महीना एक्सटेंड हो गया, तो वो लगवाना था। तो उस चक्कर में मेरे को एक इंजेक्शन तो लग गया। आज सेकेंड इंजेक्शन लगाने के लिए मैंने अंजना को बुलाया कि यार मैं घर पर ही इंजेक्शन लगा देता हूँ, बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैर के एक यहाँ पे काटा है। देखिए आप, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी, यहाँ पे जैसे काटा है ये वाला और ये वाला, तो इस तरह से काटा गया है। अब तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अंजना का, फिर अक्षय भाई भी अभी शायद योगा कर रहे हैं। ये देखो बॉल लेके ऊपर ही आ गया मेरे टांग के पास, इसका है बस खेलो खेलो खेलो, बेचारा बोर हो गया होगा ना, क्योंकि इतने टाइम से हम मनाली में थे तो बोर होना तो लाजमी है ही, आपको पता ही है कि हो ही जाता है, क्योंकि अकेला रहेगा, पापा भी सुबह निकल जाते हैं कई बार, फिर शाम को आते हैं, तो उस वजह से इसको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इसने बॉल को भी फाड़ दिया है और मेरे को तो काट दिया ही है ऑलरेडी। शर्म आई तेरे को सी भी 1% भी है, अपने मालिक को ही काट देता, अपने मालिक को ही काट दिया तूने गंदा कहीं का। चलो यार फिर भी कोई ना, है तो अपना आखिरकार बच्चा ही, तो जब बच्चे गलती करते हैं तो यार माँ बाप भी हमें माफ़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक बच्चा जैसा ही है। चलो कोई ना यार, इसकी भी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, आई एक्सेप्ट दैट। हो गया भाई साहब योगा? हाँ। योगा से ही होगा, मनाली में भी हो नहीं पाई घर आके जाके। भाई अंजना भी आने वाली है। कितने टाइम में? बस 5-10 मिनट में। क्यों यार? वो इंजेक्शन वाला, इंजेक्शन लगाना। हाँ। हम आपको बताना भूल के बताया कि ध्रुव को सेवी ने मॉप पे काट लिया था, इस वजह से उसको काफी पेन हो रही थी, तो हम जा नहीं पाए। 2 दिन हो गए हम ऑफिस नहीं गए, तो आप ये समझ सकते हो कि ये वाला जो मंथ है वो लगभग आधा मंथ तो खत्म हो चुका है, हाफ ही मंथ की सैलरी आने वाली है, वो भी आज तो जाना पड़ेगा यार, आज हर हाल में जाना पड़ेगा, कहीं ये ना हो कि भाई ऑफिस वाले बोले बेटा घर पे रहो और आराम से खाओ पियो, चलते हैं। सेवी क्यों भौंक रहा है? अच्छा लगता है अंजना आ गई है भाई। तो हमारे बीच में आ चुकी है अंजना। हेलो अंजना। कोई नहीं भाई, देखो कैमरा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन वो लेके आए हो आप इसका? इंजेक्शन लगाने क्या बात है, थैंक यू, मैं कर दूंगा कोई नहीं। तो भाई इंजेक्शन के लिए आर यू रेडी? बचपन में ये नहीं, फर्स्ट टाइम मैं लगा रहा हूं इंजेक्शन। हाँ अभी पता भी चल जाएगा कैसा देखना, काटे आपको ये? हाँ भाई अभी काटे गए, और इसके बेचारे के पाँव पे काट दिया आते ही। अंदर को कटा है, हाँ डॉक्टर साहब आ चुके हैं, हमने स्पेशल मंगवाए हैं घर पे डॉक्टर साहब। कहाँ? बाजू में लगेगा? पहले बचपन में ऐसा नहीं होता था कि बड़ा इंजेक्शन से फियर? कभी आपको ऐसा, तुझे कभी ऐसा लगा है कि पीछे यहाँ पे हिप पे लगा हो इंजेक्शन? अच्छा, उस देखो ऐसे नहीं लगता कि मतलब वो उसका जो भी पूरा टेस्ट है वो मुंह तक आ गया है? लगा तुझे ऐसा? भाई एक बारी मैंने लगवाया था, मैंने कहा यहाँ कभी नहीं लगवाना इंजेक्शन। रेबीज का? हमें रेबीज का इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इस नादान बच्चे को 1 साल हो चुका है और इसका खत्म हो गया, इसको एक और इंजेक्शन लगना है। हाँ तो मैडम आपका हथियार तैयार है? यस। अकॉर्डिंग टू अंजना हथियार बिल्कुल तैयार हो चुका है। कॉटन लानी है? मैं लाता हूँ। हाँ तो जी रेडी? यस। क्या आप तैयार हो? ध्रुव आप तैयार हो? हाँ
हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार, मैं देखना चाहूंगा, मैंने नहीं देखा है कभी। क्या ढूंढना होता है यहाँ पे हम साइट ढूंढते हैं। साइट मसल साइट साइट कौन सी साइट में लगाना? ओहो दर्द दर्द। इंजेक्शन तो भाई लग भी गया, पता लगा है? पता तो लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ क्योंकि कोई सुई चुभेगी तो दर्द तो हो ही है, दर्द तो होता है भाई, इसीलिए हम हमेशा ना पार्टीशन करते हैं, कभी भी हम आर्म पे लगा लो अपनी मसल्स पे। हाँ अगर आप पे हाथ से ऐसे पार्टीशन करनी है फिंगर्स करके, फिर जो बीच जो मसल्स आती है वहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कोई भी लगा सकते हैं। अभी जो हमने इसलिए हमें लगाया है क्योंकि रेबीज वाले अभी आप लगा सकते हो, मतलब जो टेटनस वाले होते हैं उसकी डोज फिर आती है क्योंकि हैवी डोज होती है। अच्छा तो वो पीछे लगती है बैक में। थैंक यू मेरी फीस फीस दो भाई, इतने दूर से आई बेचारी डिलीवरी करके आई हूं। हां खुद आई हूं इंजेक्शन लगाने। हां फीस का है? फीस में भाई इसको पूरा पूरा ध्रुव मिल रहा है। फीस में अगली बार खुद लगाएगा। तूने मेरे को सिखा दिया ना उंगली पकड़ के मांस खींचना और बीच में इंजेक्शन। फीस में इसके लिए बर्गर मंगाते हैं। ओ बर्गर इतने में इतना ही मिलेगा? हाँ कैमरे में बोलो बर्गर और खिलाया ही नहीं। ये बात तेरी मेरे को ठीक लगी, यहाँ ध्रुव थोड़ा सा फंस चुका है, अब बर्गर तो खिलाना पड़ेगा भाई। हाँ इसको इसको कुछ नहीं मिलेगा। तूने क्यों काटा? देखना खाया आपको, इसके नजदीक नहीं जाना। देखना देखना देखना, चलो हेलो कर दो। अपने रिस्क पे ये गेम खेल रही है। हेलो चलो आ जाओ सेवी, आ जाओ चलो बेटू। इसको भगा देते हैं इससे पहले काटे तो एक और पेशेंट आ जाएगा। ऑर्डर आ गया जी, ऑर्डर आ गया। देख ले जो प्रॉमिस किया था बर्गर, मैकडी से बर्गर मंगाया। कोक मेरे पास पड़ी हुई है तो कोक मैं अंदर से ले आता हूँ। मिल गई फीस? और बेटा तेरे को किस बात की फीस चाहिए? तूने मेरे को काटा है वो काफी नहीं था? हो गया ना वादा पूरा, अब बर्गर खा। अब आपने होम डिलीवरी दी मेरे चेकअप के लिए तो मैंने सोचा कि फ्रेंच फ्राइज भी मंगा देते हैं साथ में, सही किया ना? ऑसम भैया। बाकी कोक भी है। अच्छी भैया आ जाओ, आज पार्टी भी है। खा लो भाई। ठीक है फिर अंजना, बाय बाय, टेक केयर, आराम से जाना। अंजना की कैब आ चुकी है, मिलते हैं। थैंक्स फॉर द इंजेक्शन। तो यहाँ पे नीचे आई है अभी कैब, तो निकल गई है ये। सेवी कैसे देख रहा है? हाँ भाई चलेगी, भाई चलेगी। दो दिन हो गए हम लोग नहीं गए, दो दिन तो नहीं बोल सकते और भी काफी ज्यादा दिन। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली, अपना हो चुका है ऑफिस जाएंगे आज। तो रेडी हो चुके तैयार एकदम, मतलब काफी दिनों बाद ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि आदत नहीं ऑफिस जाने की। बट ऑफिस जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। हम अभी हम मनाली गए थे तो हम लोगों ने कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर किया, काफी टाइम से इस चीज में थे, पिछली बार भी मनाली गए थे तब भी होना था, डिस्कस भी किया था। हाँ, तो इस बार ही हमें कुछ ऐसी चीज मिली है जो हमें लगा कि हम लोग कर सकते हैं और वी हैव फैमिली जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, इसलिए आज इस चीज को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हिमाचल के अंदर अंदर ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाए, मतलब टूर एंड ट्रेवल बोल सकते हैं आप बेसिकली, जिसमें हम आपको एक पैकेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें हो गया हॉलीडे पैकेज, कपल पैकेज, ग्रुप पैकेज, फैमिली पैकेजेस सारे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल हैं या कुछ भी है, हम आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं कि आप जगह एक दो तीन जो छांट लो, उसमें आपको कैब्स चाहिए, वॉल्वो चाहिए, कुछ भी फैसिलिटी चाहिए तो हम आपको वो भी बना के दे सकते हैं। जो बने बने पैकेजेस हैं हम आपको वो भी दे सकते हैं। और एक और आइडिया हम लोगों ने सोचा था, जितने भी होम स्टेज है, एक्चुअली क्या होगा, सब प्रेफर नहीं करते कि शहरों में ही रहना है। अगर कोई होम स्टे वाली है जो हम लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करें और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या लोग इससे आते हैं तो वो आपके पास भेजे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस रेफर कीजिए हमारे इस चीज़ को। और हमने इसके लिए एक वेबसाइट भी बना दी है, देखिए टेक इट ईजी एडवेंचर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप इस वेबसाइट में जाके
हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर बस डालना है, बाकी क्वेरी जो भी होगी हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी सारी सॉल्व करेंगे, तो उस चीज़ के लिए मतलब बोले तो बेफिक्र रहे। मेरे को एक और आइडिया आ रहा है, हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इंटीरियर में होम स्टे है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो नेचर के बीच में जाना चाहते हैं, तो हम आप लोगों से बात करके आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जान के एक स्पेशल पैकेजेस निकालेंगे छोटे छोटे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नेचर में जाना चाहते हैं एक दो दिन के लिए, जहाँ पे पीस हो और कुछ भी ना हो और बस अपना जाके एंजॉय करके फैमिली के साथ आ जाए, तो ऐसे में हम लोग आपके साथ पर्सनली आपके अलग से पैकेज बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार, हमारा एक स्टार्टअप बोल सकते हो आप, टेक इट इजी एडवेंचर, जिसको आपको सपोर्ट करना है, थोड़े बहुत कस्टमर्स हमारे पास लेके आओ। शुरुआत में हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, आप लोगों का ब्लेसिंग्स चाहिए, साथ चाहिए, और आई होप एक बारी जब थोड़ा सा हम इसमें सेटल हो जाएंगे, हमें समझ में आने लगेगा, तो डेफिनेटली वी प्रॉमिस यू कि हम आपको सबसे बेस्ट ऑफर्स देंगे। ऑफिस लेट हो रहे हैं तो इस ब्लॉग को ये भी खत्म कर लेते हैं और आराम से जाते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहे टेक इट इजी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।